पर कुछ मतलब समझ में आ गया होगा क्या प्रोग्राम है। फिर भी नहीं समझ में आ गया तो हम और यहाँ पर छोटा सा टैग लगा है सामने, बोर्ड लगा हुआ है छोटा सा, देख सकते हैं प्रोग्राम्स कैसे होता है क्लास के अंदर। सो विद द फाइव डांसर्स, विद फाइव डांसर्स टीचर प्रोग्राम वी आर गोना हैव अ वन आवर टाइम, एक घंटे का समय चार्ज में घूमने के लिए जाएंगे। इसलिए रिवर क्रूज मतलब है घुमाना, एक प्रोग्राम रहेगा। इसके साथ साथ हम लोग नेक्स्ट जाएंगे अंजुना वागा और कालांगुड़ के बीच का, तीन बीचेस के पास हम हो जाएंगे अंजुना वागा और कालांगुड़। सो अभी हम जितने भी प्रोग्राम सारे जितने प्रोग्राम आपको समझा रहा है, आपको शाम तक लॉक मार के रखना है। सो कान पे दो बॉल है, एक बॉल लॉक लॉक करना है, एक बॉल बोला करना है। अंजुना वागा और कालांगुड़ बीच के अंदर अंजुना वागा और इस कंबाइन बीच विच इज ऑल्सो कॉल्ड आर रॉकी बीच। सो इन इस बीच के अंदर कालांगुड़ बीच जो है बड़ा बीच है, विच इज ऑल्सो नोन एज क्वीन ऑफ ऑल द बीचेस। सो वहां पर भी जाएंगे। सो इसके अलावा हम लोग एक किला दिखाएंगे, दैट इज फोर्ट अगवाडा। फोर्ट अगवाडा गोवा का ऐतिहासिक जगह, हिस्टोरिकल प्लेस ऑफ गोवा। वंस अगेन द लास्ट प्रोग्राम दैट इज नोन एज एबिस एक्वा मरीन वर्ल्ड, आखिरी लास्ट प्रोग्राम रहेगा एबिस एक्वा मरीन वर्ल्ड। इसमें थीम दिया गया, थीम मतलब एक सब्जेक्ट दिया गया, सागर का अंदर का दुनिया मतलब मरीन वर्ल्ड। मछली तो हम सब बहुत सारा देखी होंगी यहाँ पर, लेकिन सागर का अंदर का दुनिया इसको मरीन वर्ल्ड हम लोग कहते हैं, फिश एक्वेरियम। वहाँ पर भी हम लोग आखिरी प्रोग्राम देखने के लिए जाएंगे, क्योंकि नॉर्मली सीजन के अंदर हम लोग दिखाएंगे डॉल्फिन ट्रिप्स। इस वक्त डॉल्फिन ट्रिप्स जो है वो बंद हो चुका है, राइट, सब कुछ बंद हो चुका है। नो पैराग्लाइडिंग, नो पैराशूट, नो बनाना राइड, नो वाटर बोट। सो फिर से खुलेगा अक्टूबर महीने में, क्योंकि ऑफ सीजन बारिश का मौसम है, बंद रहता है सेफ्टी की वजह से, क्योंकि सागर में करंट ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए सो अभी रिवर क्रूज प्रोग्राम जिन लोग जाना चाहते हैं इसके अंदर बहुत ही अच्छी हंड्रेड रुपीज एंट्रेंस फीस, 300 रुपया एंट्रेंस फी रहेगा। सो इसके अलावा जहाँ पर हम लोग जाएंगे आखिरी प्रोग्राम देखने के लिए फिश एक्वेरियम, वहाँ पर एक्वेरियम के लिए 100 रुपीज। और उसी के अंदर और एक जगह है वो है हॉरर शो यानी स्कैरी हाउस, वहाँ पर 100 रुपीज। वो 100 रुपीज शाम का उसी जगह पे हम लोग कॉम्बो टिकट, कॉम्बो मतलब टू इन वन कॉम्बो कॉम्बर 150 रुपीज, कोई मिलाकर एक आदमी को 450 रुपया हमारे पास डिपॉजिट करना है। दैट इज टू प्रोग्राम्स, फिश एक्वेरियम और हॉरर शो, कॉम्बो ऑफर इज 150। यहाँ अलग अलग निकालेगा तो आपको 100-200 रुपये पड़ेगा। और बोर्ड के अंदर जाने के लिए प्रोग्राम देखने के लिए एंट्रेंस फी के लिए 100 रुपीज। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम राइट नाउ, सो यहाँ से पहुंचे तक इसलिए मैं गाड़ी कौन मिले गाड़ी में गाड़ी रनिंग करके नहीं चलता हूँ, गाड़ी रुका के चलता हूँ, बिकॉज वी आर ऑलरेडी 10-15 मिनट्स लेट गाड़ी में रुका के पहुंचे के टर्न करके इसलिए हम लोग, सो इसलिए गाड़ी रनिंग में मैं गाड़ी पर आऊँ। सभी लोग को आज का प्रोग्राम समझ में आ गया है, समझ में आ गया है? Yes, sir. ऐसे कोई भी व्यक्ति है जिन लोगों को ये प्रोग्राम समझ में नहीं आ गया है, स्पेशली पीपल फ्रॉम केरला, कोई है यहाँ पर? They can raise their hands. सभी लोगों को हिंदी आता है? Yes, sir. आता है? Yes, sir. बहुत बड़ा शुक्रिया। So now, that is the first place where we are going is a ancient city that is capital city of Goa. We are going to have a beautiful time, one hour time on the cruise. एक घंटे का समय क्रूज पर जाएंगे। इसके अलावा हम लोग अंजुना वागा और कालांगुड़, इसके बाद में हम लोग जहाँ पर भोजन के लिए समय हो जाएगा लंच के लिए छोटा सा रेस्टोरेंट में जाएंगे। इसके अलावा आखिरी प्रोग्राम है फोर्ट के बाद में, फोर्ट अगवाडा है, फोर्ट के बाद में हम लोग लास्ट में फिश एक्वेरियम एंड हॉरर शो। सो कोई मिलाकर 450 रुपये डिपॉजिट करने के साथ साथ यहाँ से शुरुआत होता है पहला नंबर।